नमस्ते गुरुकुलियंस, मैं महेंद्र पाल शर्मा एक बार फिर से आप सभी का अपने वीडियो कालांश में स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो कालांश में हम कक्षा दसवीं की व्याकरण का एक प्रकरण जिसका नाम है निबंध। निबंध लेखन कौशल के अंतर्गत आपके परीक्षा पत्र में जो है वो प्रश्न आता है, इस पर चर्चा करेंगे। निबंध, जो निबंध शब्द है वो दो शब्दों के योग से बना है, नी और बंध। कितने शब्दों के योग से बना है? दो शब्दों के योग से बना है, नी और बंध, जिसका अर्थ होता है भली प्रकार से, से भली प्रकार से बंधी हुई रचना, बंधी हुई रचना। भली प्रकार से का अर्थ क्या हो गया? अच्छी तरह से, जिसमें कर्मबद्धता भी हो, सुंदर भी हो, जो इस प्रकार से बंधी हुई जो रचना है वह क्या है? निबंध है। तो इस प्रकार से इसकी जो परिभाषा है, निबंध की जो परिभाषा है वो बनती है, वह गद्य रचना। ये जो निबंध है वो गद्य साहित्य के अंतर्गत आता है। साहित्य दो प्रकार का होता है, एक गद्य साहित्य और एक पद्य साहित्य। तो ये गद्य साहित्य के विधा के अंतर्गत आता है। तो वह गद्य रचना जो, वह गद्य रचना जो विचार पूर्वक, विचार पूर्वक क्रमबद्ध, क्रमबद्ध तरीके से, से हम यह कह सकते हैं रूप से लिखी गई हो, गई हो, वह रचना निबंध कहलाती है। कि वह गद्य रचना जो विचार पूर्वक कर्मबद्ध, यानी कि विचार करके हमने किसी जो हमें विषय दिया गया है उस विषय पर हम विचार पूर्वक विचार करके उसको कर्मबद्ध तरीके से हम लिख रहे हैं, क्रम की बद्धता है उसमें, ठीक है ना। तो जो वो रचना होती है उस रचना को हम क्या कहते हैं? निबंध कहते हैं। अब जो निबंध होता है, प्रश्न हमारे पास आता है कि निबंध की आवश्यकता क्यों हुई, किस लिए हमने निबंध लिखना प्रारंभ किया? क्योंकि बिना आवश्यकता के तो हम कोई काम करते ही नहीं हैं। और कहा भी गया है कि जो आवश्यकता होती है वही आविष्कार की जननी होती है। तो क्या आवश्यकता हुई निबंध लिखने की? आवश्यकता क्या हुई? आवश्यकता क्या है निबंध की? आवश्यकता कहता है मनुष्य का जो जीवन है, हमारा जो जीवन है, उस जीवन के सभी पहलू, जितने भी हमारे जीवन के पहलू हैं, हम कह सकते हैं क्षेत्र, कह सकते हैं क्षेत्र हैं, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र है, चाहे वो हमारा समाज है, चाहे हमारा देश है, चाहे हमारा विद्यालय है, जितने भी हमारे जीवन के पहलू हैं, इन पहलुओं पर सफल विचार विमर्श करने के लिए, ठीक है ना, जितने भी हमारे जीवन के जो भी पहलू हैं, जो भी क्षेत्र हैं, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र है, चाहे व्यापार का क्षेत्र है, चाहे हमारा जो है समाज है, चाहे हमारे जीवन में आने वाली समस्याएं हैं, चाहे हमारे द्वारा प्रयोग किए जाने वाले वैज्ञानिक जो साधन हैं उनके, उनका विषय है, कोई भी जो भी क्षेत्र है, उन सभी क्षेत्रों पर, हमारे जीवन के सभी क्षेत्रों पर, जो हमारे जीवन के सभी पहलुओं पर सफल विचार विमर्श करने के लिए, सफलतापूर्वक विचार विमर्श करने के लिए श्रेष्ठ जो निबंध है उसकी आवश्यकता हुई। हमारे जीवन का तो प्रिय विद्यार्थियों हम जानते हैं कि इससे हमें ज्ञात होता है कि हमारे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र, प्रत्येक पहलू पर सफलतापूर्वक विचार विमर्श करने के लिए हमें निबंध की आवश्यकता हुई, ठीक है। उसके बाद जो आता है कि जो निबंध है वो किस विषय पर लिखे जाते हैं, विषय क्या होता है। जो निबंध है वो जीवन, या हम कह सकते हैं कि हमारे जीवन के जो पहलू हैं, जो विषय हैं, प्रत्येक विषय पर निबंध लिखा जा सकता है,
निबंध किसी भी विषय पर लिखा जा सकता है। निबंध आपका सामाजिक विषय पर लिखा जा सकता है, राजनीतिक विषय पर लिखा जाता है, वातावरण से संबंधित लिखा जाता है, उसके बाद जो वैज्ञानिक विषय है उस पर लिखा जाता है, उसके अलावा जो हमारे जीवन में घटित होने वाली समसामयिक घटनाएं हैं या जो विषय हैं समसामयिक जो विषय हैं उन पर हम निबंध लिख सकते हैं। उसके बाद जो जितनी भी समस्याएं हैं कुप्रथाएं हैं उन पर हम निबंध लिख सकते हैं। दूसरी बात है लाभ, किसी भी वस्तु के लाभ और हानि उस पर हम निबंध लिख सकते हैं। तो विषय, किसी भी विषय पर हम निबंध लिख सकते हैं। अब बात करते हैं हम कि निबंध कितने प्रकार का होता है। निबंध जो होता है उसका वर्गीकरण, उसका प्रकार जो है वो कितने प्रकार का निबंध होता है। निबंध हमने अभी जाना कि जो निबंध होता है वो किसी एक विषय पर लिखा जाता है और वो कोई भी विषय हो सकता है। तो उस विषय का प्रतिपादन जब हम करते हैं विषय के प्रतिपादन की दृष्टि से, विषय के प्रतिपादन की दृष्टि से, विषय को लेकर के आधार बना करके प्रतिपादन की दृष्टि से, अर्थात कहने का भाव है कि विषय को आधार बना करके हिंदी भाषा में चार प्रकार के निबंध होते हैं। कितने प्रकार के निबंध होते हैं? चार प्रकार के निबंध होते हैं, ठीक है। हिंदी भाषा में विषय का प्रतिपादन जब हम करते हैं, विषय के प्रतिपादन की दृष्टि से अगर हम देखते हैं तो हिंदी में चार प्रकार के निबंध होते हैं। और वो कौन कौन से होते हैं उनके नाम इस प्रकार से हैं। जो होता है नंबर एक वर्णात्मक निबंध, ठीक है। नंबर एक क्या होता है? वर्णात्मक निबंध। ये वर्णात्मक, वर्ण प्लस आत्मक, दो शब्द से बना है, वर्णन प्लस आत्मक, वर्णात्मक निबंध, ठीक है। इस प्रकार के जो निबंध होते हैं, जो वर्णात्मक निबंध होते हैं, इस प्रकार के निबंधों में जितने भी स्थान होते हैं, स्थानों का, वस्तुओं का, ठीक है, उसके साथ साथ जो है स्थान, वस्तु, ऋतुओं और त्योहारों, इन विषयों को आधार बनाकर के इनके विषय का वर्णन किया जाता है, ठीक है ना। वर्णात्मक जो निबंध होते हैं वर्णात्मक, इनमें स्थानों, वस्तुओं, ऋतुओं और त्योहारों का क्या किया जाता है? वर्णन किया जाता है। और इसके अंतर्गत आने वाले जो निबंध होते हैं, जैसे त्यौहार हैं हमारे, होली का त्यौहार हो गया, दशहरा हो गया, ठीक है। इसके बाद जो ऋतुएं आ जाती है हमारी, बसंत ऋतु, वर्षा ऋतु, ठीक है ना। इस प्रकार के जो निबंध होते हैं वो वर्णात्मक निबंध के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद जो हमारा दूसरा विषय है वो है, जो दूसरे प्रकार का जो निबंध है दूसरा है विचारात्मक, विचारात्मक निबंध। इसमें हम विचार करते हैं किस पर, जो इस, ये जो विचारात्मक निबंध है इस निबंध के अंतर्गत किसी विचार, कोई भी विचार है, थॉट है हमारा, समस्या, कोई भी समस्या है या मनोभाव, तथा मनोभाव, मन के जो भाव हैं, मनोभाव, ठीक है ना, ये जो मनोभाव हैं इन विषयों में, ये जो मनोभाव विषय है, विषय में हम परिचयात्मक या कह सकते हैं व्याख्यात्मक, आत्मक, हम इन पर क्या करते हैं? विचार करते हैं, व्याख्यात्मक लेखन करके, हम इन पर व्याख्यात्मक लेखन करते हुए, इनकी व्याख्या करते हुए जो लेखन करते हैं, तो जो ये निबंध होते हैं ये विचारात्मक निबंध के अंतर्गत आते हैं। और इनके जो उदाहरण है हम देख सकते हैं कि विचारात्मक निबंध जो है उसके अंतर्गत कौन कौन से निबंध आते हैं। जैसे आपका जो है दूरदर्शन, दूरदर्शन और शिक्षा, ठीक है, साथ ही साथ मित्रता, या हम कह सकते हैं कि विज्ञान के लाभ और हानि,
हानि। आदि जो निबंध होते हैं वो आपके विचारात्मक निबंध के अंतर्गत आते हैं। तीसरा जो हमारा निबंध का प्रकार है वो है भावनात्मक, भावनात्मक या भावात्मक भी कह सकते हैं, भावनात्मक जो भावना प्लस आत्मक शब्द से बना है, भावनात्मक। इस प्रकार भावनात्मक जो निबंध होते हैं, इस प्रकार के जो निबंध होते हैं प्रिय विद्यार्थियों, भावनात्मक प्रकार के जो निबंध होते हैं उसमें जो भाव होते हैं उन भावों की क्या होती है, प्रधानता होती है, भावों की प्रधानता होती है। हमारे अंदर हमारे मन में दूसरों के प्रति किस प्रकार की भावना है, वो भावना क्या होती है, उस भावना को जो हम लिख करके प्रकट करते हैं गद्य साहित्य के माध्यम से, तो वो भावात्मक यानी कि ऐसे निबंध जिनमें भावों की प्रधानता होती है वो भावनात्मक निबंध कहलाते हैं। जैसे इसके अंतर्गत कौन कौन से निबंध आते हैं, जैसे परोपकार की जो भावना होती है परोपकार का आ गया, ठीक है, सदाचार की भावना होती है तो सदाचार आ गया, राष्ट्र प्रेम की भावना होती है, देश प्रेम की भावना होती है तो देश प्रेम, ठीक है ना, राष्ट्रभाषा। इस प्रकार के जो निबंध आते हैं वो भावनात्मक निबंध की श्रेणी में आते हैं। जो हमारा अंतिम इसका जो निबंध है वो जो प्रकार है या कह सकते हैं हम कि वो कौन सा होता है, वो होता है हमारा विवरणात्मक निबंध, जिसमें हम विवरण देते हैं, विवरण आत्मक निबंध। विवरणात्मक जो निबंध होता है इसमें किस प्रकार के जो कौन कौन से विषय होते हैं, घटनाओं से संबंधित, कोई घटना घट गई है, घटनाओं से संबंधित है, यात्रा से संबंधित, कोई भी यात्रा आपकी रेल यात्रा है, आपकी कोई पर्वतीय यात्रा है उसका वर्णन करना है, दिल्ली की यात्रा, इस प्रकार के कि आपने दिल्ली की यात्रा की है उसका वर्णन कीजिए, और साथ के साथ जो उत्सव होते हैं उत्सव का विवरण तथा व्यक्तियों के परिचयात्मक जो निबंध होते हैं वो विवरणात्मक निबंध के अंतर्गत आते हैं। इस प्रकार के विवरणात्मक निबंध के अंतर्गत आते हैं, जैसे आपकी कोई रेल यात्रा है, ठीक है, कोई पर्वतीय यात्रा हो गई आपकी, उसका आपने वर्णन किया है। उसके बाद उत्सव में आ जाएगा, विद्यालय का वार्षिक उत्सव आपका है, वार्षिक उत्सव, वार्षिक उत्सव। इस प्रकार के जो निबंध आते हैं वो विवरणात्मक निबंध की श्रेणी में आते हैं। तो देखिए एक बार दोबारा से संक्षेप से देख लेते हैं कि निबंध विषय प्रतिपादन की दृष्टि से हिंदी भाषा में चार प्रकार के निबंध होते हैं, वर्णनात्मक होता है, विचारात्मक होता है, भावनात्मक होता है और विवरणात्मक होता है। अब हम बात करते हैं निबंध के अंग की, जो निबंध हम लिखते हैं उसके कितने अंग होते हैं। निबंध के तीन अंग होते हैं प्रमुख, जो है वो तीन अंग होते हैं। सबसे पहला जो अंग होता है वो होता है भूमिका, सबसे पहला जो अंग होता है वो क्या होता है, भूमिका। उसके बाद जो दूसरा जो अंग होता है वो होता है, हम उसको विस्तार भी कह सकते हैं, मध्य भाग भी कह सकते हैं, विवेचना भी कह सकते हैं, ठीक है, इस प्रकार के। और तीसरा जो प्रमुख अंग होता है वो होता है उपसंहार या अंत भी कह सकते हैं हम, ठीक है। तो हम सबसे पहले भूमिका के विषय में जानते हैं। भूमिका, बहुत से ऐसी पुस्तकें होती हैं या बहुत से ऐसे लेखक होते हैं जो भूमिका की जगह प्रस्तावना शब्द का प्रयोग करते हैं, इसको प्रस्तावना भी कहा जाता है, या आरंभ इत्यादि शब्दों का प्रयोग करते हैं। और ये जो भूमिका होती है ये निबंध की पृष्ठभूमि होती है, यानी कि ये इसके माध्यम से जो पाठक है या जो लेखक है वो निबंध में प्रवेश करता है, विषय में क्या करता है, प्रवेश करता है।
साथ के साथ भूमिका में हम जो भी हमारा विषय है उसका परिचय देते हैं, और हम कह सकते हैं कि भूमिका के माध्यम से हम निबंध का क्या करते हैं, जो हमारा निबंध होता है उसका क्या करते हैं, प्रारंभ करते हैं, का प्रारंभ, निबंध को हम प्रारंभ करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो हमारा दूसरा अंग है विस्तार, ये निबंध का प्रमुख अंग है, सबसे प्रमुख अंग है। इस अंग में हम क्या करते हैं, विषय, जो हमारा विषय है, विषय का विस्तार, विषय पर विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं हम। इस अंग में हम क्या करते हैं, विषय पर विस्तार पूर्वक, विस्तार से चर्चा करते हैं, यानी कि उसकी व्याख्या करते हैं, और साथ ही साथ ये जो विस्तार होता है वो अनुच्छेदात्मक होता है, उपविषय भी होते हैं, कुछ हम टॉपिक बना लेते हैं, जैसे प्रदूषण, अगर आपके पास निबंध आया है तो हम पहले भूमिका बना देते हैं कि प्रदूषण क्या है, उसके बाद हम विस्तार पे आते हैं, हम बताते हैं कि प्रदूषण चार प्रकार का होता है, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और भूमि प्रदूषण, ये सब किसके अंतर्गत आता है, विस्तार के अंतर्गत आता है। उसके बाद फिर हम इसके उपविषय बना लेते हैं, जैसे जल प्रदूषण के बारे में हम छोटा सा अनुच्छेद लिख देते हैं, वायु प्रदूषण के विषय में हम छोटा सा अनुच्छेद लिख देते हैं, भूमि प्रदूषण के विषय में हम छोटा सा अनुच्छेद के माध्यम से उसको बता देते हैं, तो उनमें क्रमबद्धता भी होती है। उसके बाद आता है हमारा अंतिम जो इसका अंग है, वो है उपसंहार या अंत। यहाँ तक आते आते जो लेखक होता है वो विषय के जो हमारा विषय है, निबंध का जो विषय है, उसके विषय में पूर्ण रूप से विस्तार पूर्वक जानकारी दे देता है, और उपसंहार जो होता है यह अंतिम जो है वो अंग होता है, अंतिम पार्ट होता है। यहाँ तक आते आते विषय की चर्चा क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। उपसंहार पर आकर के विषय की चर्चा क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। विषय की चर्चा क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। और दूसरा, उपसंहार में जो निबंध को लिखने वाला होता है वो विषय का सारांश लिखता है, सारांश यानी कि बिल्कुल छोटे संक्षेप रूप में उसका उसके विषय में बताता है, और निबंध का क्या कर देता है, अंत कर देता है, ठीक है। तो इसके बाद ये हो गए निबंध के अंग, भूमिका, विस्तार या मध्य भाग कह सकते हैं, उपसंहार और अंत। अब एक निबंध को लिखने के लिए उस निबंध में क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए, उन विशेषताओं पर हम जो है विशेषताओं के विषय में जानेंगे कि विशेषताएं क्या क्या होनी चाहिए। विशेषताएं, सबसे पहले जो निबंध है, निबंध की जो भाषा है, भाषा सरल, सहज और भाव अनुकूल होनी चाहिए। सरल भाषा का हमें प्रयोग करना चाहिए, वो सरल हो, सहज हो और भाव अनुकूल हो, विषय अनुकूल कह सकते हैं हम इसको, विषय अनुकूल, विषय के अनुकूल होनी चाहिए, अनुरूप होनी चाहिए चाहिए। दूसरा, निबंध लेखन में हम शब्दों का प्रयोग करते हैं तो हमारे जो शब्द हैं हमें कठिन और अप्रचलित शब्दों के प्रयोग से बचना चाहिए, या शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। हमें कठिन शब्दों का और ऐसे शब्द जो समाज में प्रचलित नहीं है उनका प्रयोग हमें निबंध लेखन में नहीं करना चाहिए। तीसरा, निबंध लेखन में जो वर्तनी है वो शुद्ध होनी चाहिए, और व्याकरण की दृष्टि से अगर हम देखते हैं तो हमें वर्तनी शुद्ध होनी चाहिए, और जो विराम चिन्ह हैं
विराम चिन्हों का उचित प्रयोग करना चाहिए। करना चाहिए। उसके बाद जो निबंध है वो विषय के अनुकूल होना चाहिए। जो विषय दिया गया है उसके अनुकूल ही हमें जो है निबंध लिखना चाहिए, तथा साथ ही साथ जो आपको परीक्षा पत्र में शब्द सीमा दी गई है, जैसे आपको अगर बोला गया है कि 180 से 220 शब्दों के बीच में लिखिए या 200 से 250 शब्दों के बीच में लिखिए, तो जो शब्द सीमा दी गई है शब्द सीमा को ध्यान में रखते हुए, ठीक है ना, शब्द सीमा को ध्यान में रखते हुए हमें निबंध की जो है वो रचना करनी चाहिए। शब्दों में क्रमबद्धता होनी चाहिए। शब्दों में क्या होनी चाहिए? क्रमबद्धता होनी चाहिए। साथ के साथ निबंध, जब हम निबंध लिखते हैं तो एक जो प्रमुख बात है जो अनुच्छेद में नहीं होती है और निबंध में होती है, कि अनुच्छेद में हम जो लोकोक्तियाँ होती है, जो मुहावरे होते हैं, या संस्कृत की जो सूक्तियाँ होती है, कुछ दोहे होते हैं, अनुच्छेद में हम उसका प्रयोग नहीं करते हैं। लेकिन निबंध में हम निबंध लिखते वक्त हम विषय के अनुकूल, जो विषय के मिलती जुलती जो लोकोक्तियाँ हैं, जो मुहावरे हैं, जो संस्कृत की सूक्तियाँ हैं, या जो कविता या दोहों की कुछ पंक्तियाँ हैं, उनका हम प्रयोग कर सकते हैं। ये क्या किस में कर सकते हैं? हम निबंध लेखन में कर सकते हैं, लेकिन अनुच्छेद लेखन में इसका प्रयोग नहीं करते। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो कालांश में इतना ही। और इस वीडियो कालांश में हमने जाना कि निबंध किसे कहते हैं, उसका अर्थ क्या होता है, उस शब्द का निर्माण कैसे हुआ है, ठीक है, निबंध के प्रकार कितने होते हैं, तथा साथ ही साथ निबंध के जो अंग हैं वो कितने होते हैं। निबंध के जो अंग हैं वो चार होते हैं, भूमिका, विस्तार और उपसंहार, तथा निबंध को लिखते समय किन किन विशेषताओं का ध्यान रखना चाहिए, किन किन विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो अपने इससे अगले के वीडियो कालांश में हम निबंध से संबंधित किसी एक विषय को लेकर के उसका अभ्यास करके हम निबंध लेखन की जो गद्य है, गद्य रचना है, निबंध लेखन, उस निबंध लेखन के कौशल को जानेंगे। तब तक के लिए आप घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।